हेलो उथरियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से अपने एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। पिछला एपिसोड आप लोगों को सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि आपके कमेंट्स ये बता रहे हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं पहले पिछला एपिसोड, और पिछले एपिसोड में बता देता हूँ हुआ क्या था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुयर और जोयान की शादी नहीं हुई बल्कि सगाई हो गई थी। मतलब जोयान ने प्लाट खरीद लिया है, बस रजिस्ट्री बाकी है। मुयर भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि मुयर के साथ जो एल्डर्स आए थे वो भी जोयान से काफी सेटिस्फाइड होते, और फोर्थ एल्डर ने तो कह दिया था जोयान अगर मुयर खुश है ना फिर तुम जो चाहे वो मांग लो, कभी भी मेरे से मदद मांग सकते हो, मैं आ जाऊंगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि मुयर एल्डर से जोयान को बचा रही थी कि अरे 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 जोयान बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है एंड सो ऑन। दूसरे जोयान ने भी डिसाइड किया था कि वो जैन फैमिली में नहीं जाएगा, और इस बीच काफी सारे और भी मूवमेंट हुए थे। देन हमने देखा हुआ होता है कि अपनी सगाई के कम्प्लीट होने के बाद जोयान पहुंच गया था याओक्लेन की तरफ। बांगयान सिटी में जोयान पहुंचता है और एक सराया में रूम बुक करता है। कमाल है यार, मतलब उस टाइम पे भी ओयो चलते थे, सराया को ओयो ही कहा जा सकता है ना, क्या कहते हो तुम लोग। देन हमने ये भी देखा था वहाँ पे कि जोयान खुद से ही कहता है कि सोल डेमन क्लेन होन क्लेन शैडो अलायंस और पिल पैलेस वो उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए सेफ डायरेक्शन से जाना ही बेटर होगा, यानी कि एक वार्म होल का यूज करते हुए। और इसके बाद मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। निर्लज्ज प्राणी, अब तक तुमने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो बे, और कमेंट भी कर दो। चलो 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 फटाक से, अरे शर्माओ मत यार। चलो तो यहाँ पे जोयान अपनी सराय से मॉर्निंग में उठता और काफी तरोताजा फील कर रहा होता है, जिसके बाद जोयान कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग घात लगाकर मेरा वेट कर रहे होगे, तो प्लीज मुझे निराश मत करना। और यहाँ पे इतने पावरफुल एनिमीज के खिलाफ भी जोयान काफी शांत लग रहा होता है। हालांकि जोयान अभी भी केवल 6 स्टार पर ही था, लेकिन फिर भी जोयान काफी सेटिस्फाइड इसलिए था क्योंकि लॉन्गी गोल्डन टावर के अंदर था, और सही गैस किया था तुम लोगों ने, इसीलिए कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड अटैक के लिए लॉन्गी भी जोयान की मदद के लिए तैयार था। साथ यहाँ पे भी जोयान फुल्ली प्रिपेयर था क्योंकि जोयान के पास था होनिंग से मिला हुआ इनविजिबल कार्ड, जिसके बाद जोयान अपने कपड़े चेंज करता और तुरंत ही खिड़की से बाहर कूद कर जिंगमिंग फ्लोर की तरफ भाग पड़ता है, जिसके बाद चांद अंधेरा हवा तेज और रात काफी जानलेवा होती है। साथ ही ये जो एरिया था वो काफी कम लोगों वाला था और मारने के लिए सबसे फेवरेट प्लेसेस में से एक था, और जाहिर तौर पर बांग जियांग टाउन के वेस्ट डायरेक्शन में जो मैपल फॉरेस्ट था वो इस चीज के लिए सबसे बेस्ट जगह थी। साथ ही बांग जियांग टाउन से गाओ जिंगमिंग बार माहौल तक केवल एक ही सड़क जाती थी जो कि इस फॉरेस्ट से होकर जाती थी। साथ ही ये पूरा का पूरा एरिया लगभग 20 किलोमीटर तक बेस्ट डायरेक्शन की तरफ होता है। साथ ही यहाँ पे एक झील भी दिखाई दे रही होती है जिसमें एक लकड़ी का पुल बना हुआ था जो सीधा ही बार माहौल के प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे जोयान मैपल फॉरेस्ट के छोटे से रास्ते के एंट्रेंस गेट पर खड़ा हुआ होता है और इसी एरिया को देख रहा होता है। साथ ही जोयान की स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल चुकी होती है। साथ ही विलेरियलम की इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल पावर के कारण जोयान काफी आसानी से ही पूरे मैपल फॉरेस्ट को कवर कर लेता है। साथ ही जोयान काफी अलर्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए पूरे ही रास्ते की खोजबीन भी कर रहा होता है कि कहीं कोई अनएक्सपेक्टेडली उसके ऊपर अटैक ना कर दे। हालांकि आगे बढ़ते हुए जोयान 3 लोगों की वेटल क्विक फ्लक्चुएशन को फील करता है, जो देखकर जोयान कहता है केवल 3 ही क्यों है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। राइट साइड पे जो बंदा छिपा हुआ है उसकी पावर 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर होनी चाहिए। बाई साइड जो छिपा हुआ है उसकी पावर दाएं साइड के बंदे के बराबर ही होनी चाहिए। साथ ही जो तीसरा बंदा है उसकी बैटल क्विक का जो फ्लक्चुएशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो उसे कम से कम 6 स्टार के लेट स्टेज पर होना चाहिए। तो जेनी और बिग ब्रदर के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन लोगों को होना चाहिए शैडो अलायंस का मेंबर। बहुत अच्छे, मुझे इतनी जल्दी आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद जोयान हैरान होते हुए कहता है क्योंकि शैडो अलायंस के लोग यहाँ पर है तो फिर पिल पैलेस के लोग भी यहाँ पे होने चाहिए, क्या उन्होंने इस बार किसी को भी मुझे मारने के लिए नहीं भेजा। हालांकि काफी सोच विचार के बाद भी जोयान को जब कोई फायदा नहीं होता तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के एरिया को थोड़ा सा और इंक्रीज करता है। तभी जोयान कहता है कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं आए हैं तो मैं शैडो लीग के लोगों से ही काम चला लूंगा, पहले शैडो अलायंस के 3 लोगों से ही निपट लेते हैं, उसके बाद कोई डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और इतना कहते हुए जोयान मैपल फॉरेस्ट के अंदर की तरफ भागने लगता है, लेकिन चुपचाप पेशेंस से इंतजार करना भी सबसे बड़ी बात थी। यहाँ पे जो ब्लैक पर्सन होते हैं वो पूरे के पूरे ब्लैक मुंह में नकाब लगाए हुए चट्टान के पीछे छिपे बैठे होते हैं और केवल उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। साथ ही उसकी आंखें उसी रास्ते पर होती है जो बांग जियांग टाउन से फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है। साथ ही इसका नाम था बू जी जू बूजी, जो कि 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर था और अपने वेपन के तौर पर स्पेयर का यूज सबसे बढ़िया करता था। साथ ही उसके पास फास्ट बॉडी मूवमेंट टेक्निक और काफी सारे अनबीटेबल और पावरफुल बैटल स्किल्स थे, और उसकी पावर के साथ ऐसे कुछ ही लोग थे जो वास्तव में उसके अटैक को प्रेडिक्ट करके बच सकते थे। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है डैम इट जोयान, चाहे तुम्हारे तरीके कुछ भी हो
अगर आज तुम मेरे सामने आए तो मैं निश्चित तौर पर तुम्हें बताऊंगा कि मेरा इस प्यार तुम्हारे खून का कितना प्यासा है। अगर तुम्हें एक ही अटैक में ख़त्म ना किया तो मैं भी मैं नहीं। साथ यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी लग रहा होता है कि एकमात्र 4 स्टार के डाउडी ने 5 स्टार लेवल के वॉरियर को मार दिया था, और यहाँ पे जोयान को मारने के लिए वास्तव में उसके हॉल मास्टर ने 6 स्टार लेटेस्ट स्टेज के बंदे को भेजा, जबकि अभी जोयान सिर्फ 5 स्टार पर है। और भले ही वो जोयान को मार ही क्यों ना दे, उसके लिए यह काफ़ी शर्म की बात थी कि बताओ 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल का होने के बाद भी मैं 5 स्टार के बंदे को मारने वाला हूँ। छी 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 छी। हालांकि जैसे ये बंदा सोच रहा था, अचानक जूबूजी के सिर के ऊपर आसमान से पर्पल रेड फ्लेम का अटैक होता है और उसके कान में एक गाना उसे सुनाई देता है, एल लग गए एल लग गए एल लग गए भैया एल लग गए। बेचारा पूरी तरीके से सक पका गया होता है कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, साथ ही साथ कब हुआ, और सबसे मेन बात क्यों हुआ। लेकिन क्योंकि उसके पास सोच विचार करने का टाइम नहीं था, वो तुरंत ही अपने स्पेयर को निकालता है और तुरंत ही पर्पल रेड फ्लेम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यह फ्लेम उसके स्पेयर से भी ज्यादा हरामी होती हैं। वो फ्लेम से एक साथ फ्यूज होकर 1000 फीट अटैक क्रिएट करते हुए बंदे के स्पेयर को चीरते हुए एक ही अटैक में काम तमाम कर देती है। साथ ही बंदा पूरी तरीके से उसकी बोलती बंद हो गई थी, और यहाँ तक कि जॉन के इस अटैक के सामने 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल के बंदे को तो छोड़ ही दो, 7 स्टार का वॉरियर भी होता तो भी इससे आसानी से डॉच नहीं कर पाता। तभी बाकी की 2 जगह पर छिपे हुए जो शैडो लीग के किलर होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और घास से बाहर कूद कर आते हैं, तो वो देख सकते थे जोयान बूजी की लाश के बगल में खड़ा हुआ था और गाना गा रहा था, होले होले बाल माँ धीरे धीरे साजना इसका काम तमाम हो गया। आज पता है मैं मीम देख रहा था यार, तो ये वाले गाने मुझे यही गाने सुनाई दे रहे थे, होले होले बालमा धीरे धीरे साजना और एल लग गए एल लग गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो में इनका यूज़ किया जाए, किसने किसने सुने ये गाने। तभी वो बंदा तुरंत ही कहता है, तुम कौन हो और तुमने उसे क्यों मारा। साथ ही जिस पर्सन ने जॉन से ऐसा कहा था उसकी पावर 6 स्टार डाउडी के लेटेस्ट स्टेज पर थी और उसका नाम था किंग युआन फेंग। साथ ही उसके बगल में जो बंदा खड़ा हुआ था उसे जूबूयान कहा जाता है। हालांकि इन दोनों ने ही जोयान की इमेज को देखा था, लेकिन रात के घने अंधेरे में जॉन का चेहरा इन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसके अलावा अभी भी जोयान की जो पावर थी वो सिर्फ 5 स्टार पर थी और ये बंदा तो 5 स्टार पर नहीं था, इसीलिए ये लोग नहीं जानते थे कि ये जोयान है या कोई और। इन्हें लग रहा था कि ये जोयान का कोई हेल्पर होना चाहिए जैसे जॉन ने अपने आप को बचाने के लिए इनवाइट किया होगा। लेकिन तभी एक आवाज आती है, क्या तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ रहे थे? अरे घबराओ मत, मैं हूँ तुम लोगों का सरप्राइज पैकेज जोयान जिसे आप मारना चाहते हैं। और यहाँ पे जोयान के मजाकिया लहजे को सुनकर उन बंदों को एक बार के लिए तो भरोसा ही नहीं होता। साथ ही जॉन ने एक मिड 6 स्टार डाउडी लेवल के वर्क को मार दिया था, तो अब सामने केवल एक मिड 6 स्टार डाउडी और लेट स्टार 6 डाउडी था, तो जोयान को इनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जॉन को यकीन नहीं था कि वो उन दोनों को ही मार पाएगा, लेकिन जॉन एक चीज की गारंटी तो दे सकता था कि ये इंटरमीडिएट 6 स्टार डाउडी ये बंदा बेचारा कल का सूरज नहीं देखने वाला। जहां तक लेट स्टेज वाले की बात है तो उसके लिए भी सरप्राइज पैकेज लोंगी बेटा है ना। अगर वास्तव में जॉन उसे नहीं हरा पाता तो वो लोंगी को बुला सकता था, जिसका मतलब था कि इन दोनों की ही किस्मत में अगले दिन का सूरज नहीं लिखा था। साथ ही जॉन को बिना किसी डर के अपना नाम बताते हुए सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहते हैं, इम्पॉसिबल, तुम जोयान हो ही नहीं सकते, हमें सच सच बताओ तुम कौन हो। जो सुनकर तो जोयान बौखला जाता है कि सालों तुम सभी को विश्वास क्यों नहीं होता कि मैं ही जोयान हूँ, सब मुझसे ये क्यों पूछते रहते हो कि तुम कौन हो, अगर मैंने कहा मैं जोयान हूँ तो मैं जोयान हूँ। तभी किंग युआन फेंग और जूबूयान एक ही टाइम पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैलाते हैं और आसपास के एरिया में जोयान को खोजना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह बंदा जोयान का हेल्पर है और जोयान आसपास ही छिपा हुआ होगा। तभी जोयान कहता है काफ़ी ज़्यादा कैजुअली, क्या आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं कि आप तीनों कौन हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी किंग युआन फेंग और बूयान काफ़ी अलर्ट तरीके से और सकभरी नज़रों से जॉन की तरफ देखते हैं। तभी जॉन आदतन अपनी नाक को छूते हुए कहता है, आज मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, देखो अभी अभी मेरी इंगेजमेंट हुई है तो हो सकता है कि मैं तुम लोगों को काफ़ी आसानी से मार दूँ, तो तुम लोग बता सकते हो तुम कौन हो, मैं बिल्कुल भी दर्द नहीं दूंगा। लेकिन जो ये जूबूयान भैया होते हैं इनको मची होती है चुल्ल, इनको लग रहा होता है कि चाहे बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो है तो 6 स्टार स्टार्टिंग लेवल पर, इसीलिए ये तुरंत ही स्कारलेट रेड लाइट के साथ जोयान की तरफ अपना लात उठाते हुए कूद पड़ते हैं। जो देखकर जॉन कहता है, टांग उठाने का तो हमें हजारों सालों का तजुर्बा है पर मारने का तजुर्बा उससे भी ज्यादा। और इसके बाद जॉन के हाथ में उसका हैवी जॉन रूलर अपीयर होता है और जो कि जॉन की स्काई फायर से कवर होता है, जिसके बाद जैसे ही जॉन का हैवी जॉन रूलर टकराता है जूबूयान के ऊपर और जॉन की स्काई फायर जूबूयान के सिर के ऊपर गिरने ही वाली होती है,
किंग युआन फेंग अपने कमर पे लगी हुई एक लंबी 1 मीटर लंबी ब्रोकेट बेल्ट को घुमाता है, जैसे उसकी ब्रोकेट बेल्ट पर स्कारलेट रेड लाइट इकट्ठा होने लगती है। और उसी टाइम पे जू बुयान अपने हाथ की तलवार को घुमाता है और उसके सिर के ऊपर अटैक करता है, जिससे एक अजीब सा बवंडर फैल गया होता है। और यह बवंडर चमकदार लाल रोशनी से भरा हुआ होता है, जो कि जॉन के हैवी जुआन रूलर से टकराता है, जो काफी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा था। तो एक बूम की आवाज आती है, तभी जॉन कहता है बहुत अच्छे वंस मोर, और सेम ही अटैक जॉन एक बार फिर से करता है। हालांकि इस बार जॉन ने सेम ही अटैक दोहराया था, तो किंग युआन फेंग वापस से अपने बेल्ट के स्कारलेट रेड को घुमाता है लाइट को, और उसके हाथ में एक जायंट एक्स भी अपीयर हो जाती है, जिससे वो तुरंत ही एक वर्टिकल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे सड़े हुए अंडे के साथ एक मिस्ट अटैक निकलता है, जिसका कलर प्रोफाउंड गोल्डन होता है। साथ ही काफी चिपचिपाहट से भी भरा हुआ होता है, जैसे ये कोई मैग्मा लिक्विड हो, जिसके बाद ये देखते ही देखते अटैक 1 से 2, 2 से 3 हो जाते हैं और जो यान की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही अटैक जहां से भी निकल रहे थे, फूल पेड़ पौधे और पत्तियां अपनी लाइफ पावर को खो रहे होते हैं, जिसके बाद ये तीनों ही वेव्स एक में ही फ्यूज हो जाती है। तो बहन की आंख फिर अलग अलग क्यों हुई थी? और फलक झपकते ही हवा की जो ये शॉक वेव होती है वो 100 मीटर तक पावरफुल हो जाती है और जो आयन की तरफ बढ़ते हुए हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तभी जान कहता है इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में सड़े अंडे की स्मेल सभी लाइफ पावर को डिस्ट्रॉय कर रही है। कैसे? जॉन यहाँ पे काफी हैरान होता है, क्योंकि 6 स्टार डाउडी के लिए ऐसा कर पाना वास्तव में आसान बात नहीं थी। लेकिन जॉन को पता था चाहे स्मेल कितनी भी पावरफुल और खतरनाक क्यों ना हो, फ्लेम से तो डरती है। इसीलिए जॉन हैवी जॉन रूलर को स्लैश करते हुए कहता है जा लंका लगा दे। और उसी टाइम पे जॉन का हैवी जॉन रूलर के अंदर की स्काई फायर तुरंत ही 3 स्काई फायर अपेयर होती है, जो पर्पल रेड फ्लेम से लपटते हुए और भड़कते हुए सीधा इसी मिस्ट अटैक की तरफ जाने लगती है। और एक अटैक होता है बुम 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 की 3 आवाज के साथ। लेकिन यहाँ पे तो जियान ने शायद इस अटैक की पावर को काफी कम करके आंका था, क्योंकि इस मिस्ट अटैक के डिस्ट्रॉय होने के बाद ही सीधा ही ब्लू कलर का एक लिक्विड जियान की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कोई पानी की तरह नीला था। और अगर इसके सामने का एरिया रेड नहीं होता तो कोई भी इसे बटर ही समझता। तभी जो यान इस खून से सने हुए मुंह जैसे पानी के अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जो बाहर की तरफ फैल रहा था। साथ ही उस रेड मुंह से एक बड़ी सी लाल जीभ निकल रही होती है और इसके आसपास के किनारे से काफी सारे बुलबुले, जो देखकर जॉन कहता है साला अब ये क्या बवासीर है। तभी किंग युआन फेंग यहाँ पे डीलिंग मारते हुए कहता है ये है मेरे जायंट बैटल एक्स की सोल स्पिरिट, साथ ही 6 स्टार स्टार्टिंग लेवल के डाउडी के तौर पर आपके लिए तो यह रिस्पेक्ट की बात है कि मैंने वास्तव में अपना पावरफुल अटैक आपके ऊपर किया। इसके तहत मरने के बाद आप सीधा ही स्वर्ग की तरफ जाएंगे। और इतना कहने के बाद ही वो मॉन्स्टर बॉल अपना मुंह खोलती है और बड़ी सी जीभ निकालते हुए जॉन की तरफ बढ़ती है। साथ ही इसके कारण जो यान की जो स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर होती है, यहाँ पे जो यान अपने स्पिरिचुअल पावर के अंदर काफी ज्यादा पेन को फील कर पा रहा था, जैसे जॉन कहता है वास्तव में ये मेरी सोल पर अटैक कर रहा है। इसलिए जॉन तुरंत ही अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करता है। और इसके बाद जॉन कहता है अगर आप स्पिरिचुअल अटैक ही खेलना चाहते हैं तो चलो फिर ट्राई करते हैं, और कोल्ड स्काई चिल को जो यान एक्टिवेट कर देता है। हालांकि इस टाइम पे सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बंदे का स्पिरिचुअल अटैक जॉन के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था और काफी फास्ट था। इसलिए जो यान को अपनी स्पिरिचुअल और सोल सी के अंदर काफी ज्यादा पेन होता है। भले ही जॉन की स्पिरिचुअल पावर विलेरियलम के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई थी, उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी मेमोरी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही हो, जिसके कारण वास्तव में जॉन कोल्ड स्काई चिल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। जो देखकर जॉन कहता है मैं वास्तव में लापरवाह हूँ। और उसी टाइम पे बिना किसी अलर्ट के जॉन के सोलसी के अंदर एक ब्लास्ट की आवाज होती है और जॉन के सोलसी के अंदर हजारों लाइटिंग बोल्ट अपेयर होते हैं, जो कि सोलसी के अंदर की अटैक करने वाली इस एनर्जी को पूरी तरीके से नलीफाई कर देते हैं। जो देखकर जॉन तुरंत कहते क्या ये लॉन्गी है? नहीं, लॉन्गी तो नहीं हो सकता, मैंने तो उसे अब तक बुलाया ही नहीं और लॉन्गी अब तक गोल्डन टावर से बाहर नहीं आया, तो फिर ये कैसे हो सकता है? जॉन को उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार इतने प्रीसेस मूवमेंट के अंदर उसकी बॉडी में जो ये लाइटिंग स्ट्राइक हुई वो आखिरकार हुई कैसे। लेकिन तभी जो यान को फील होता है कि शायद उसकी बॉडी के अंदर का जो उसका अपग्रेडेड फ्लेम मंत्रा है, जो लाइटिंग मंत्रा में परफॉर्म या कि अपग्रेड हो चुका है, वो इस टाइम पे एक्टिवेट हो गया था। जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाइटिंग मंत्रा में वास्तव में ऐसी भी पावर होगी, ये तो सच में काफी अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्लेम मंत्रा 4th लेवल पर अपग्रेड होने के बाद अपने आप ही बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवेट हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्या मेरे पास अपनी जान को बचाने के लिए एक और
ट्रंप कार्ड या कि चांस नहीं होगा। और इस टाइम पे जॉन वास्तव में काफी खुश होता है क्योंकि ये उसके फ्लेम मंत्रा की ही पावर थी जो कि लाइटिंग मंत्रा में अपग्रेड हो गया था और लाइटिंग की पावर को भी लीड करता था। साथ ही इसकी प्रोटेक्शन पावर भी काफी ज्यादा थी और ये इन पावर को लीड करता था। साथ ही फ्लेम मंत्रा की इन पावर और जो यान की यांग पावर मिलते हुए एक पावरफुल अटैक और डिफेंस को क्रिएट कर सकते थे जिसका रिजल्ट सभी के सामने था। तभी किंग युआन फेंग तुरंत अनट्रस्टेड तरीके से कहता है, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं, तुम जिंदा कैसे रह सकते हो। जो यान को नॉर्मल होता हुआ देखकर तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि यह बंदा आखिरकार जिंदा बच कैसे गया। तभी जान कहता है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, जिस पे तो ये किंग युआन फेंग बिना एक भी टाइम को वेस्ट किए बगैर। तभी जो किंग फेंग होता है तुरंत ही अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और अपनी बॉडी को काफी ज्यादा जॉइंट कर लेता है। साथ ही इसकी पूरी बॉडी से हल्की येलो कलर की स्मेल और गैस निकल रही होती है जो एक गैस बैरियर की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। जो देख कर जान कहता है, ओड़ी बाबा ये तो मॉन्स्टर निकला। हालांकि जो ने सोचा था कि ये केवल गैस डिफेंस शील्ड होगी, लेकिन तभी ये गैस एक एरो में क्रिएट होकर जो यान की तरफ अटैक कर देती है, जिस पे जो यान तुरंत ही से डॉच करने के लिए अपनी बॉडी मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे तो बंदे का जो तीर होता है वो जो यान को लॉक कर चुका होता है, यानी कि जैसे मिसाइल। अब ये अपने अटैक को तब तक नहीं छोड़ने वाला था जब तक वो खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता या कि अटैक के ऊपर हिट नहीं हो जाता। साथ ही जान यहाँ पे पेड़ पौधे चट्टानों के अक्रॉस घूम रहा होता है, लेकिन ये तीर जिस जिस से भी टकरा रहा होता वो सभी चीजें धज्जियां उड़ती जा रही होती है। जो देखकर जान कहता है, वास्तव में पावर तो खतरनाक है, ये बंदा सच में किलिंग में काफी एक्सपर्ट लगता है। ऐसे ऐसे खतरनाक तरीके, पता नहीं कितने लोगों को मारने का एक्सपीरियंस होगा इसके पास। हालांकि एरो जो यान को तो नुकसान ही पहुंचा सकता था, लेकिन दूसरी तरफ जो जुबू यान होता वो तुरंत ही 1000 स्लॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए जो यान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण ये स्लॉट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों तरफ से जान की तरफ आ रही होती है। साथ ही अटैक जो था ये काफी पावरफुल लग रहा होता है। आखिरकार ये स्टार्टिंग वर्ल्ड रैंक टेक्निक थी जिसका नाम था 1000 स्लॉट नेट। और यहाँ पे 6 स्टार लेटेस्ट स्टेज और 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल के डाउडी ने मिलकर जो यान के ऊपर अटैक किया था, इसीलिए उन दोनों को विश्वास नहीं था कि जॉन अब उनसे बच सकता है। और यहाँ पे जॉन भी वास्तव में थोड़ा सा प्रेशर तो फील कर रहा होता है। साथ ही जॉन को भरोसा नहीं था कि वो अपने हैवी जॉन रूलर की स्किल और बॉडी मूवमेंट टेक्निक पर ही भरोसा करके इन दोनों को मार सकता है, इसलिए जॉन यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर के अटैक को एक्टिवेट करना ही चाहता था कि तभी लॉन्ग गी की आवाज आती है, फादर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी से फाइट कर रहे हो, मुझे भी बाहर आना है, मुझे भी लड़ना है, मुझे भी अच्छा टाइम बिताने दो, आप अकेले अकेले सबको मार देते हो, मैं ब्लड केव के अंदर भी किसी को नहीं मार पाया, प्लीज प्लीज प्लीज। जो देखकर जॉन कहता, बच्चे तुम मुझसे भी ज्यादा बैटल को प्यार करता है। जिसके बाद जोयान 1000 फीट हैवी जुआन रूलर का अटैक करते हुए 1000 स्लॉट नेट को डिस्ट्रॉय कर देता और तुरंत ही येलो एरो से बचते हुए गोल्डन टावर को अपेयर करता है। और गोल्डन टावर की अपेयर होती है चारों तरफ फैलती है गोल्डन लाइट, जिससे अंधेरी रात में भी वास्तव में ऐसा फील हो रहा होता है जैसे सूरज निकल आया हो। जिसके बाद एक लाइटिंग बोल्ट सनसनाता हुआ सीधा ही टावर के बाहर निकलकर जुबू यान की तरफ दौड़ पड़ता है। और इस टाइम पे जी बुआन खुद को कंट्रोल पर पाता और कुछ भी समझ पाता कि उससे पहले ही एक लाइटिंग स्पेयर उसके चेस्ट के आर पार जा चुका होता है। और जैसा कि लोंगी हमेशा ही कहता है कि छाती में भाला घुसेड़ दूंगा, इस बार बंदे ने सच में घुसेड़ दिया होता है भाला छाती में, कुछ और मत समझ लेना। तभी लोंगी को देखकर जो लाइटिंग से सरा बोर होता है किंग युआन फेंग तुरंत ही कहता है, तुम कौन हो। साथ ही इस टाइम पे तो ये डर भी गया होता है कि ये कौन सी चीज थी जो अचानक से अपेयर हुई, कहाँ से आई, कहाँ को गई। उसे केवल इतना ही पता था कि ये जो भी है इस बला ने एक ही भाले के अटैक से उसके अच्छे भले दोस्त की टिकट सीधा ही भाड़ की तरफ काट दी थी। हालांकि तभी लोंगी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं वही हूँ जो तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी जॉन कहता है, एक सेकेंड मेरी भी तो बारी आने दो। और अपने बोन विंग्स को जॉन अपेयर करते हुए हैवी जॉन रूल कुलर को कसकर पकड़ता है और उसमें अपनी बैटल कोई और फ्लेम को इंजेक्ट करते हुए कहता है, 888 फीट हैवी जॉन रूलर 1000 फीट विदाउट थ्रेट। और जॉन के इस अटैक के ही साथ बंदे की लंका लग जाती है। इन सभी का ठिकाना लगाने के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और जो यान हमें दिखाई देता है जो कि रास्ते में आगे बढ़ते हुए खुद से ही कह रहा होता है कि वास्तव में जब याओ क्ले ने इन ईंटों के साथ इस रास्ते को पक्का किया होगा तब उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वास्तव में एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये रास्ता इतना ज्यादा वीरान हो जाएगा। साथ ही जान अभी भी यही सोच रहा होता कि आखिरकार पिल पवेलियन ने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, क्या वो उसको छोड़ रहे हैं या उसके बारे में भूल गए हैं। आखिरकार जॉन को पता था कि पिल पैलेस को उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन तभी जॉन को उम्मीद ही नहीं थी कि वो ये सब सोचते हुए आखिरकार याओ क्लेन के गेट तक पहुंच गया होता है। और एक आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो।
जिससे जॉन तुरंत ही खुद को कंट्रोल करता है और देखता है कि वो याउक्लेन के गेट तक पहुंच गया है। इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, कृपया पैट्रियाट को जाकर बताएं कि उनका डिसाइबल जो यान उनसे मिलने के लिए आया है। जो सुनकर वो गार्ड तुरंत ही कहता है, क्या जियो यान? हालांकि मैं जियो यान से कभी भी नहीं मिला, लेकिन मैंने ये नाम बहुत सुना है, पूरे याउक्लेन में ये नाम फेमस है। क्या तुम जियो यान हो? जब गार्ड सुनता है कि आने वाला पर्सन जियो यान है, तो गार्ड तो पूरी तरीके से एक्साइटेड और शॉक हो गया होता है और तुरंत ही जोयान को ग्रीट करते हुए कहता है, बस आप एक क्षण को वेट करें, मैं तुरंत रिपोर्ट करके यूं गया और यूं आया। हालांकि उस गार्ड के जाने के कुछ ही सेकंडों बाद याउक्लेन के पैट्रियार्ट याओ एओटियान, जिन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने होते हैं और हाथ पे वही लकड़ी का बेत होता है, तुरंत ही जोयान के सामने आते हैं। साथ ही उनके पीछे काफी सारे ओल्ड एल्डर्स भी होते हैं जिनके चेहरे पर खुशी की फीलिंग्स होती हैं और वो जोयान का स्वागत कर रहे होते हैं। तभी पैट्रियार्ट कहते हैं, हाँ हाँ लड़के, चलो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। साथ ही यहाँ पे याओ एओटियान जो यान को देखकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहे होते हैं। तभी जोयान तुरंत ही उनके सामने घुटने को टेकते हुए तुरंत ही कहता है, मास्टर हम फिर से मिल गए। जिस पे याओटियान तुरंत ही कहते हैं, अरे उठो 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 उठो, और दोनों हाथों से जोयान के कंधे को उठाते हुए जोयान को खड़ा करते हैं और काफी सेटिस्फाइड देखते हुए कहते हैं, और तुरंत ही कहते हैं, भाई मैंने तुम्हारे फर्स्ट स्टेज के इनाम को जीतने वाले ब्रेव काम के बारे में सुना है, वो भी एल्यूजन के अंदर। तुम तो सच में मेरे डिसाइबल होने योग्य हो, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। साथ ही इस टाइम पे याओ एओटियान की बॉडी से मेडिसिन इंग्रेडिएंट की एक काफी अच्छी स्मेल आ रही होती है, जिसके कारण जोयान वास्तव में मदद तो नहीं कर सका था, लेकिन ये अंदाजा लगाना चाहता था कि आखिरकार ये इंग्रेडिएंट थे कौन कौन से। तभी पैट्रियार्ट याओ कहते हैं, आओ जोयान मैं तुम्हें सभी एल्डर से मिलवाता हूँ, और वो जोयान का हाथ पकड़ते हुए पीछे की सभी एल्डर्स की तरफ घूमते हुए कहते हैं, याउक्लेन के एल्डर साहब जोयान को तो जानते ही होंगे, खासकर थर्ड एल्डर, आपको जोयान याद है जिसने आपको लूट लिया था। जिसके बाद जोयान सभी को ग्रीट करता है और रिस्पेक्टेडली अपने से हिलाता है। तभी थर्ड एल्डर कहते हैं, वो तो तुम इतनी जल्दी 5 स्टार पर पहुंच चुके हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही याउक्लेन का कुछ ऐसे भी डिसाइबल थे जिनका टच पिल पैलेस के एल्केमिस्टों के साथ था और वे काफी अच्छे फ्रेंड थे, इसलिए अलर्ट रहने के लिए जोयान ने जब याउक्लेन के अंदर कदम रखा तो उसने अपनी पावर को 5 स्टार के इनिशियल लेवल तक सप्रेस कर लिया होता है। हालांकि वो अपने मास्टर के सामने इसे छिपाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला था। हालांकि तभी पैट्रियार्ट याओ जोयान की बैटल क्वी को फील करते हैं, जो काफी फ्लैक्चुएट हो रही होती है, जिससे उन्हें यकीन नहीं होता कि जोयान 5 स्टार की स्टार्टिंग लेवल पर है। लेकिन वो भी स्माइल करते हुए कहते हैं, बुरा नहीं छोटे साथी, ब्लड केव के बाहर आने के केवल 300 सालों के अंदर ही तुम 5 स्टार पर प्रमोट हो चुके हो, लगभग तुम ओल्ड मेरे बराबर हो चुके हो। हालांकि यहाँ पे जोयान अपने एंसेस्टर जो जोयान को रिवाइव करने के लिए काफी क्यूरियस था, लेकिन जोयान इस चीज को लेकर भी टेंशन में था कि अगर लंबे समय तक वो यहाँ पे खड़ा रहा तो स्ट्रांग स्पिरिचुअल पावर रखने वाले एल्डर्स उसकी असली पावर को देख लेंगे। इसलिए जोयान तुरंत ही सभी को ग्रीट करते हुए तुरंत ही इनग्रीडियंट को बाहर निकालता है, जो कि होता है ड्रीम वाइन, जो देखकर एल्डर पैट्रियार्ट याओ तुरंत ही कहते हैं, क्या तुम सच में इतनी जल्दबाजी में हो? और वो काफी उदास होकर स्माइल कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे एंसेस्टर को रिवाइव नहीं करता तो तुम अपने मास्टर और मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, ठीक है चलो मेरे साथ आओ। जिसके बाद हमें याउक्लेन की पेरल रिफाइनिंग फार्मेसी के अंदर का एक हिडन रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे सेंटर में ब्राउन कलर के स्टोन का एक काफी बड़ा फ्लोर होता है, जहाँ पे ब्लैक कलर की बुड से बना हुआ एक चरी का बॉक्स रखा होता है। यहाँ पे याओ एओटियान काफी ज्यादा ध्यान से उस बॉक्स को ओपन करते हैं, जिससे हर की गोल्डन लाइट को प्रोड्यूस करने वाली एक पिल जोयान की आंखों के सामने आ जाती है, जिसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल इफेक्ट होता है। इसे येलो पिल की तरफ इशारा करते हुए याओ एओटियान काफी ज्यादा प्राउडफुल तरीके से कहते हैं, ये मेरे याउक्लेन का सबसे प्रीसियस ट्रेजर है, जो अगेंस्ट द हेवन सोल रिक्रिएशन पिल है। तभी जॉन ड्रीम वाइन को अपने हाथ में पकड़े हुए और ये सोच करके अपने एंसेस्टर को वापस से जिंदा करने वाला है, जॉन की तो पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो एक्साइटेड और घबराया हुआ होता है। जॉन को अच्छे से पता था ये पिल केवल 8 स्टार डाउडी के खिलाफ ही इस्तेमाल की जा सकती है, उसके ऊपर नहीं, लेकिन जो डाउडी तक नहीं पहुंचा उसके लिए तो सक्सेसफुल रेट 100% थे इस पिल के, चाहे वो कितने भी लॉन्ग टाइम पहले ही क्यों ना मरा हो, अभी भी 80% सक्सेसफुल रेट तो थे ही। साथ ही जोयान के ऊपर एंसेस्टर जो जोयान का उधार था, इसलिए जोयान को हर हालत में सक्सेसफुल होना था। हालांकि जोयान की घबराहट को याओ एओटियान कैसे नहीं समझ सकते थे, इसीलिए वो सीरियस होते हुए कहते, जोयान मुझे पता है तुम इस मूवमेंट का काफी लॉन्ग टाइम से इंतजार कर रहे थे, और मैं ये भी जानता हूँ तुमने इस पल के लिए काफी बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन इस टाइम पे तुम्हें अपने एंसेस्टर को रिवाइव करते हुए जरा सा भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट द हेवन सोल रिक्रिएशन पिल का यूज करते हुए तुम्हें शांत रहने की जरूरत है और काफी अच्छे मूड के साथ अपने पूर्वज को रिवाइव करने की पूरी स्ट्रेंथ को जरा सा भी इफेक्टिव नहीं होने देना है। जिस पे जॉन तुरंत कहता है, बिल्कुल ये मेरे एंसेस्टर को जिंदा करने का एकमात्र तरीका और मौका है, मैंने इसका काफी लॉन्ग टाइम से इंतजार किया है, मैं अब और इंतजार नहीं
नहीं कर सकता। साथ ही घबराने के लिए कभी भी कुछ भी चीजें होती हैं जिनका हमें हमेशा ही सामना करना पड़ता है। तभी टियाटियाओ कहते तो तुम्हारे एंसेस्टर की सोल का स्प्रिट क्लस्टर कहाँ पर है। और यह देखकर कि आखिरकार जॉन ने खुद को शांत कर लिया है, वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और एक कुलड्रोन को अफेयर करते हैं। तभी उनके हाथ के स्टोज रिंग से दर्जनों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट कुलड्रोन के अंदर चले जाते हैं। तभी जॉन भी अपने हाथ को फैलाते हुए उसके हथेली को अपेयर करता है जिसमें सोल प्रिंट अपेयर होता है। तभी आओ एउटियन अपनी बैटल क्वीक के काफी सॉफ्ट पावर का यूज करते हुए जो जॉन के सोल क्लस्टर को एक जड बोतल के अंदर रख लेते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं जोयान मैं अगेंस्ट द हेवन सोल रिक्रिएशन फील्ड को लिक्विड तक रिफाइन करूंगा और इसके लिए मैं स्काई फायर का यूज करूंगा। और इस टाइम पे मुझे स्काई फायर के टेम्परेचर पे भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही ड्रीम बाइन और बाकी के इंग्रेडिएंट को भी रिफाइन करके उन्हें प्योर करने की जरूरत है। साथ ही इस पिल को रिफाइन करते हुए यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका लिक्विड के तौर पर यूज किया जाए, लेकिन एक बार चूक जाने पर यह पिल अपना इफेक्ट खो देगी। अब मैं तुम्हें ड्रीम बाइन और बाकी के इंग्रेडिएंट के और इस लिक्विड के इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। तुम उन्हें एक एक करके रिफाइन प्योर और अरेंज करो और मेरे सभी गाइडेंसों को फॉलो करना। तुम्हें अपने एंसेस्टर को रिवाइव करने में मेरी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद याओ एउटियन हवा में लटके हुए पिल के सेट्स को 5 सेट में डिवाइड कर देते हैं और एक एक करके जोयान से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं ये टोटल 36 टाइप के इंग्रेडिएंट है और हर ढेर में 9 टाइप के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जिनका उपयोग पिल के इफेक्ट को कम करने और क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ताकि बीक सोल क्लस्टर पिल के इफेक्ट के कारण इंजर्ड ना हो और डिस्ट्रॉय ना हो। इसीलिए ये पिल के इफेक्ट हमारे सोल प्रिंट को और भी ज्यादा स्टेबल करने से बचाएंगे और डिस्ट्रॉय होने से बचाएंगे। और इस काम के लिए इनमें 3 इंग्रेडिएंट हैं, जिसके बाद के इंग्रेडिएंट इस पिल की एनर्जी को स्वॉलो करने की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, जिसके बाद बाकी के बचे हुए तीसरे ढेर के अंदर या कि लास्ट ढेर के अंदर जो 9 इंग्रेडिएंट है ये सोल प्रिंट के अंदर की पावर को काफी ज्यादा कंडेंस करेंगे और हेवन अगेंस्ट द हेवन सोल रिक्रिएशन पिल के वाइल्ड एट्रीब्यूट को कंट्रोल करेंगे। जॉन को हर एक सेट से इंट्रोड्यूस कराते हुए वो तुरंत ही कहते हैं इसे अच्छे से याद कर लो और रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद ब्रोकेड वॉक से वो पिल तुरंत ही फुल ड्रोन के अंदर चली जाती है और याओ एउटियन के हाथ की जो मॉन्स्टर स्काई फायर होती है वो तुरंत ही इस पिल को चारों तरफ लपेट लेती है, जो देखकर जॉन तुरंत कहता है मास्टर एंसेस्टर ये किस तरीके की स्काई फायर है। जॉन को स्काई फायर को लेकर हमेशा ही क्यूरियोसिटी रहती थी। तभी एल्डर और एंसेस्टर पिल को रिफाइन करते हुए जॉन की इस बात को सुनते और तुरंत कहते हैं ये स्काई फायर तियान याओयान है जिसकी रैंकिंग 19 है। जो देखकर जॉन कहता है केवल आपके पास रैंक 19 की स्काई फायर है। उसे उम्मीद नहीं थी कि याओ क्लेन के पेट यार्ड जो कि रैंक 7 के अल्केमिस्ट हैं उनके पास मात्र रैंक 19 की स्काई फायर होगी। यहाँ पे जॉन याद करता है कि उसके पास रैंक 20 की अर्थ एक्सप्लोजिव फायर है, रैंक 18 की कैओस ओली फ्लेम है, रैंक 17 की स्टार पर्पल फ्लेम है और रैंक 16 की साइकिक फिल फायर है। जैसे जॉन खुश होते कहता कोई सरप्राइज की बात नहीं कि बात समय जो जॉन और बाकी सभी लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। तभी जो यान याद करता है कि एक बार जब वो सभी लोगों के साथ एशियन डिजास्टर वाले प्लेस के अंदर गया था जो फॉरेस्ट के अंदर था, तब वहाँ पे उसे एक बॉक्स मिला था जिसपे लिखा हुआ था जिसके पास ये चांस होगा उसे ही ये चीज मिलेगी। साथ ही उसमें एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि जब मैं जिंदा था तब मेरे पास 3 स्काई फायर थी, लेकिन उन्हें फ्यूज करते हुए मेरी जान चली गई और इस बॉक्स को ओपन करने के लिए किसी के पास 6 स्टार पीक लेवल की पावर होनी चाहिए। साथ ही उसके लिए उसे 2 टाइप की स्काई फायर को भी फ्यूज करना होगा। इसलिए जो यान याद करता है कि क्या वो बंदा जिसकी पावर 9 स्टार पर थी और उसकी जो 2 स्काई फायर थी क्या इस बॉक्स के अंदर हो सकती हैं। और यहाँ पे जॉन एक बार फिर से 6 स्टार के पीक लेवल की पावर पर ब्रेक थ्रू करने के बाद उस जेड बॉक्स को खोलने के लिए काफी क्यूरियस हो जाता है कि अंदर की 2 स्काई फायर जो कि सील है वो किस लेवल की होंगी और वो ग्रेट चांस क्या होगा। साथ ही जॉन को लग रहा होता है कि पिल फायर से तो हाई रैंक की वो फायर होनी चाहिए। साथ ही उसकी जो तीसरी फायर पिल फायर थी उसे उस बंदे ने सील कर दिया था और उसका नाम था याओ मेंगोन। जिसके बाद जॉन उस स्टील को याद करता है जो उसे वहीं से मिला था और ले सालोंग ने कहा था ये काफी हार्ड है, जिससे जॉन कहता है क्या ऐसा हो सकता है। उस बंदे ने कहा था वहां पे उसने 3 चीजों को कल्टीवेट करने के लिए वो प्लेस क्रिएट किया था, अगर स्काई फायर को उसने सील कर दिया था और घोस्ट सोल को भी सील किया जा सकता है, वो जो स्टील थी वो स्प्रिट सील हो सकती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड थी और स्प्रिट सील ही केवल हार्ड होती है। और यहाँ पे जॉन सोचता है कि वो इतना इडियट कैसे हो सकता है, वो इस बात को क्यों समझ नहीं पाया। और जॉन दिल ही दिल में काफी खुश हो रहा होता है। तभी पैट्रियट याओ जो यान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा उदास तरीके से स्माइल करते हुए कहते हैं क्या आप इस बात पे प्राउड फील कर रहे हैं कि मेरी स्काई फायर आपकी स्काई फायर जितनी अच्छी नहीं है। जो देखकर जॉन कहता है नहीं 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 मास्टर मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ,
मास्टर बस मैंने देखा कि आप स्काईफायर को काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तभी पैट्रियट याओ कहते हैं, बकवास बंद करो, मैंने भी तुम्हारी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी को देखा है जो मुझसे कम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे इसके बारे में भूल जाओ, तुम जल्दी क्यों नहीं करते और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन क्यों नहीं करते? याद रखना उसमें कोई भी इम्पोर्टी ना होनी चाहिए। साथ ही पैट्रियट याओ ने यह कहा था कि जॉन की फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी उससे कम नहीं है। ऐसा कहकर केवल उन्होंने अपना चेहरा बचाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जॉन की फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी उनसे भी काफ़ी बेहतर है। साथ ही जॉन जिसके पास 4 स्काईफायर है, निश्चित तौर पर उसकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी सबसे बेस्ट तो होनी ही थी। तभी जॉन भी कहता है, बिल्कुल, मैं अभी के अभी सभी इंग्रेडिएंट को रिफाइन करता हूँ। और इसके बाद ड्रीम बाइन और एक दर्जन प्लस इंग्रेडिएंट को जो यान अपने यौनमु कुलड्रोन के अंदर फेंक देता है और पर्पल रेड स्काईफायर अपेयर होती है, जो देखकर याओ योटियान तुरंत ही कहते, क्या तुम्हारी स्काईफायर ब्लू ब्राउन नहीं थी? ये पर्पल रेड कैसे हो गई? ये क्या चक्कर है रे बाबा? जो सुनकर तो जॉन भी शक पका जाता है कि अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं और क्या बोलूं। जिसके बाद वो अपने मास्टर को सच बताने का फैसला करते हुए कहता है, ब्लड केव के अंदर मुझे एक स्काईफायर मिल गई थी जिसके फ्यूजन के बाद ये पर्पल रेड हो गई। तभी याओ योटियान तुरंत कहते, क्या कहा तुमने? क्या तुम स्काईफायर की बात कर रहे हो? जिसपे जॉन सिर हिला देता है। और इसके बाद जॉन फील करते कि वास्तव में 9 स्टार इंटरमीडिएट लेवल का याओ मैंगून भी 2 से ज्यादा स्काईफायर को एक साथ फ्यूज नहीं कर पाया था, और अगर ये उसके फ्लेम मंत्रा के लिए नहीं होता तो वो भी ऐसा नहीं कर पाता, और शायद ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ऐसा हो जो ऐसा कर पाए। साथ ही इसके लिए जो यान ओल्ड जान के प्रति काफी ज्यादा ग्रेटफुल होता है। साथ ही एल्डर याओ जॉन को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो किसी मॉन्स्टर को देख रहे हो। जिसके बाद वो पिल को वापस से कंट्रोल करते हुए जॉन से कहते, तुमने इसे कैसे किया? तभी जॉन कहता, मैं जिस कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करता हूँ उसी की मदद से। और ऐसा कहते हुए जो यान अपनी रैंक 6 के एल्केमिस्ट पावर के साथ और विल रियलम इंटरमीडिएट स्पिरिचुअल पावर के साथ ड्रीम बाइंड को काफी इजीली रिफाइन कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं पे एंड होता है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय थ्रियन फैमिली।